जैसे ही अर्जुन ने प्रवेश किया है, हनुमान जी की पूछ पर पैर रख गया, हनुमान जी खड़े हो गए। कौन हो तुम? अर्जुन कहने लगे, अरे बंदरी के बच्चे, तू जानता नहीं मुझे, मैं कौन हूं? मैं गांडीवधारी अर्जुन। आज देखिए दोनों में वार्ता होने लगी। आ जाइए, क्या हुआ? एक राम भक्त है, एक कृष्ण भक्त है, पर बंधुओं किस प्रकार परमात्मा अभिमान चूर करता है। अरे योद्धा बलधारी, योद्धा बलधारी, और हो गई पैज समुद्र पे भारी, योद्धा वार्ता होने लगा। हनुमान जी कहने लगे, तुम कौन हो, जरा अपना परिचय दो। बोले, मैं गांडीवधारी अर्जुन, आपने नाम सुना होगा। हनुमान जी बोले, हां, मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, मैं पुष्प लेने आया हूं और लेके ही जाऊंगा। हनुमान जी बोले, जरा हमारा भी परिचय ले लो। बोले, तुम कौन हो बताओ। हनुमान जी अपना परिचय देते हुए बोले हैं, सुनो कुंती पुत्र, अरे त्रेता में सीता खुई भाई, ढूंढता ते लखन रघुराई, त्रेता में जानकी जी का हरण हुआ और चारों तरफ राम और लक्ष्मण रो रहे थे, हाय सीते हाय सीते। अर्जुन कहने लगे, अरे बंदरी के बच्चे, तो तूने क्या किया ये बता। बोले, सुनो, अरे त्रेता में सीता खुई भाई, ढूंढता ते लखन रघुराई, अरे शेत समुदा दियो बधाई, लंका में दई आगिरे लगाई, और सुनो अंजनी मातारी, अरे अंजनी मातारी, सीता जी का हरण हुआ, सेत समुद्र बनवाया और लंका में आग लगाई, जानकी का पता लगाया। ओहो, अर्जुन मुस्कराने लगे, अरे बंदरी के बच्चे, बड़ी बड़ाई कर रहे हो। मैंने सुना है कि सेत समुद्र तुमने अकेले नहीं बनाया, नल नील अंगद जावंत सभी थे। अरे सुन, अगर उस समय मैं होता तो क्या करता। हनुमान जी बोले, क्या करते वही बताओ। तो अर्जुन बोले, हे सुन बंदरी के बच्चे, अरे त्रेता युग में जो हम होते, बाणल से पुल बधवाते, अरे सारी पार ले जा।
उस समय मैं होता, अकेले ही पुल को बनाता बाणों के द्वारा, रावण का वध करके और जानकी मैया को वापस ले जाता। और सुनो, तुम्हारी मैया का नाम है अंजनी, हमारी माँ का नाम क्या है? क्या है? अरे कुंती मातारी, कुंती मातारी, हुई गई तेज समुद्र पे मारी कुंती। कहने लगे, अरे अर्जुन तुम करके दिखाते, मैं दिखा चुका हूं, इतना फर्क है हम दोनों में। और सुनो, मैंने क्या किया है? क्या किया है अंजनी लाल, बताओ? अरे शक्ति लगी लक्ष्मण की भाई, बताते रघुराई। बोले सुनो, अरे फूटी जब पहचान न पाई, पूरो पर्वत लाए उठाई। अरे घोर अंबरचारी, अरे घोर अंबरचारी, रामादल रो रहा, राम जी व्याकुल हैं। बोले अर्जुन ने कहा, तो तुमने क्या किया? बोले मैं रात ही रात में बूटी लेकर आई और लखन के प्राणों को बचाया। अच्छा, अर्जुन मुस्करा करके बोले, तो कोई बहुत बड़ा काम थोड़ी कर लिया तुमने, एक पर्वत उठा लिया तो। अरे सुनो, अरे गंधार लीलाए सो सुत जाई, मिट्टी को हाथी पुजवाई। कौरवों की मां गांधारिणी जो थी, जब पूजन किया गया हाथी का तो मिट्टी का हाथी बनाया। और सुनो, अरे गंधार लीलाए सो सुत जाई, मिट्टी को हाथी पुजवाई। और अंजनी लाल, जमीन पर उतार लिया। मैं कोई ऐसा वैसा नहीं हूं, बहुत बड़ा गांडीवधारी हूं। देखो, दोनों भक्तों में वार्ता हो रही है, उधर भगवान छुपे छुपे देख रहे हैं।
हनुमान जी कहने लगे, अब गाल बजाने से कोई फायदा नहीं। आप कह रहे हो कि मैं बड़ा हूं, मैं कह रहा हूं मैं बड़ा हूं, दो दो हाथ हो जाने दो, पता चल जाएगा। बोले ठीक है, मैं बाणों के द्वारा पुल बना के तैयार करता हूं, और आपके अंदर यदि शक्ति है तो इसे तोड़ के दिखाओ। अंजनी लाल ने मंजूर किया। ठीक है, तैयार किया और हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अगर शक्ति है तो तोड़ के दिखा। अंजनी लाल ने झटका दिया, पुल पर पहुंचे, और जो ही पुल पर कूदे हैं ना तो पुल धसने लगा। ओहो, और पुल जब धसा है तो अर्जुन की पिंडरियां कांप गई, घबरा गए। ये तो हमें लगता कि हमसे भी बड़ा महारथी, हमसे भी बड़ा शक्तिशाली है, पर कन्हैया छुपे छुपे देख रहे थे। जब पुल धसने लगा तो कन्हैया समझ गए, अर्जुन भी हमारा भक्त है और राम भी हमारा भक्त है। तुरंत ही भगवान ने कश्यप का रूप धारण किया और पुल को रोक लिया। नीचे आए हैं ना, पर अंजनी लाल जोर जोर से झटका दे रहे, भगवान के मुंह से रक्त निकल गया। अंजनी लाल ने देखा, मुझे लग रहा है किसी जीव की हत्या हो गई, क्या हुआ। भगवान कश्यप रूप में पुल के नीचे झाग निकल रहा है, रक्त बह रहा है। हनुमान जी ने देखा कि कोई जीव की हत्या हो गई, और कन्हैया समझ गए भक्त नाराज है, इसके सामने अब पेश नहीं जाएगी। तुरंत मेरे प्रभु ने चतुर्भुज रूप धारण किया और किस प्रकार दोनों भक्तों का मान बढ़ाया है, धन्य वो प्रभु है। हरी न्यारी,
गुलशन कैसेट के माध्यम से सुन रहे हैं। और क्या बताया है, भगवान जैसे ही दोनों भक्तों के सामने पहुंचे तो हनुमान भी खड़े हैं, कृष्ण और अर्जुन भी खड़े हैं, क्योंकि जो पहलवान हारता है ना उसका चेहरा बता देता है। पर कन्हैया ने अभिमान भी चूर किया और बचा भी लिया अर्जुन को, दोनों ही काम किए। भगवान बोले हनुमान से, बेटा तुम आपस में क्यों झगड़ा कर रहे हो, तुम दोनों ही तो मेरे हो। राम कृष्ण दौए कहें अंतर नहीं निवेश, उनके नयन गंभीर हैं इनके चपल विशेष। मैं ही राम हूं, मैं ही कृष्ण हूं, ओ हनुमान अर्जुन तुम दोनों ही मेरे हो। हनुमान बोले, प्रभु वो ठीक है, पर ये तो अभिमान से फूल तोड़ने आए थे। मैंने कहा अगर झगड़ा करके लोगे तो एक पत्ती भी नहीं तोड़ने देंगे, हाँ प्रेम से चाहो तो कितना भी ले जाओ। तो आज प्रभु को दोनों भक्तों ने प्रणाम किया, नतमस्तक हुए। और मेरे कन्हैया मुस्कुराते हुए अर्जुन से बोले, अर्जुन तुम्हारे अंदर अभिमान हो रहा था वो मैंने आज नष्ट किया है। किस प्रकार कन्हैया ने आशीर्वाद दिया दोनों भक्तों को, धन्य है वो प्रभु।